संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क का मंगलवार को निधन हो गया। बर्क ने मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शफीकुर्रहमान बर्क का कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। शफीकुर्रहमान बर्क मौजूदा संसद में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। इस बार भी सपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था। बर्क की सदन के प्रति निष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते वक्त डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि बड़ी बात है कि 93 साल की उम्र में भी संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क सदन में बैठे हैं। सदन के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। पीएम मोदी द्वारा बर्क की तारीफ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शफीकुर्रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। शफीकुर्रहमान बर्क 5 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने सपा के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से 1996, 1998 और 2004 में जीत हासिल की थी। इसके बाद वे 2009 में बसपा के टिकट पर संभल से लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि 2014 में उन्हें संभल सीट से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्होंने संभल से सपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। बर्क 1999 में मुरादाबाद सीट से अपना चुनाव हार गए थे। बर्क संभल से 4 बार विधायक भी रहे हैं। वो 1974, 1977, 1985 और 1991 में विधायक चुने गए। बर्क एक बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बर्क के पोते 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट मुरादाबाद की कुंदूर की सीट से चुनाव जीते। बर्क ने अपनी राजनीति की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के साथ की थी। वे मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते थे।